बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अनिशा वासी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। नए कर्ज प्रोग्राम से पहले आईएमएफ की शराइत पर अमल दरामद का प्लान। मुल्क भर के 18 लाख नॉन फाइल्स के मोबाइल फोन सिम कार्ड ब्लॉक करने का भी फैसला। फेल फॉर्मेशन को टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों का डेटा तैयार करने की हदायत। आईएमएफ से नए बेल आउट पैकेज की हुसूल का मिशन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की क्यादत में वक्त आज अमरीका रवाना होगा। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए आईएमएफ को बकायदा दरख्वास्त देगा। वजीर खजाना की एमडी आईएमएफ से मुलाकात का भी इम्कान। आसमानी बिजली गिरने से पंजाब में 11 अमवात। रहीम यारहान में मुख्तलिफ मकामात पर 6 अफराद जान से हाथ धो बैठे। जतोई में 2, यजमान अहमदपुर शर्किया और कहोर पक्का में 1-1 अमवात। कनकोट डेरा बक्ती में भी आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बाग हो गए। मुल्क दुश्मनों के हाथ में कमीशन। बुनीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। दहशत गर्दों का सरगना सलीम रबानी हलाक 2 जख्मी। पाक फौज के 2 नौजवान मादरे वतन पर कुर्बान। वालदान मदसर और लांस नायक हसीब शहीद। दहशतगर्द सलीम रवानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी। बस से उतारकर 9 मुसाफिरों का कत्ल कर दिया गया। मुसाफिरों को शनाख्त के बाद गोलियां मारी गई। लाशें पहाड़ी इलाके से मिली। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 6 नौजवानों का ताल्लुक मंडी बाउद्दीन के एक ही गाँव से था। मैयतें क्वेटा से हेलीकॉप्टर के जरिए पंजाब मुंतकिल की गई। एक और वाकये में मुसल्ला अफराद की कौमी शाहरा पर गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जांबा। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। ईद के मौके पर नवाब शाह की तहसील कासी अहमद में मीठी मीठी मिठाई, ज्यादा खाने और चटपटे मसालेदार खाने इस्तेमाल करने की वजह से काजी अहमद और गिदनवा के इलाकों के लोगों में गैस्ट्रो अमराज तेजी से फैलने लगा। जबकि गुज़श्ता 2 रोज में काजी अहमद अस्पताल में 100 से ज़ायद केस रजिस्टर हुए, जबकि गैस्ट्रो अमराज में मुब्तला बच्चे मर्द और खवातीन हैं। मुतासरों ने महकमा सेहत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर मुतासर लोगों का मुफ्त इलाज किया जाए और मुतासर गाँव में इमरजेंसी की बुनियादों पर अमराज को कंट्रोल करने के लिए टीमें भेजी जाए और इलाज करके लोगों को जिंदगी बचाई जाए। कसूर कड़िया हाउस पुलिस की कार्रवाई। गुमशुदा 8 साल नन्नी कली 12 घंटे के मसलसल सर्च ऑपरेशन के बाद बहर आफियत बाजियाब। बच्ची को वापस मां की आगोश में दे दिया गया। शहरी ने 15 पर कॉल की कि इसकी लगते जिगर इरम जावेद, जिसकी उम्र 8 साल है, आज शाम 7 बजे से लापता है, जो बावजूद तलाश के न मिल सकी। वकू की इतला पर फिल 4 SHO कुड़िया हास आबिद महमूद चीना माँ दीगर नफरी मौके पर पहुंची तो मस्कुरा बच्ची के अहलेहाना बिलखसूस इसकी वालदा गम से निढाल थी। फिल 4 मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस टीम कुड़िया ने कर्ब बाजार की मार्केटों, फसलों, रेलवे स्टेशन, लारी अड्डों, पार्कों और पिकनिक के मकाम पर सर्च ऑपरेशन किया, जो रात भर और बच्ची के बासियाब होने तक जारी रहा, जिसकी कमांडर बराए रास DPO कसूर जनाब तारिक अजीज सिंधु साहिब ने की और ऑपरेशन की निगरानी SPO सिटी ऑब्जेक्शन और SPDC सिटी सर्कल ने की। मुतलिफ सर्च ऑपरेशन टीमें तश्कील देकर एक मुंसिम तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया। मीरपुर साकरो डिस्ट्रिक्ट ठटा के नवाही गांव मोहम्मद हाशिम फाफड़ के रिहायशी असगर सेंदर और मसमाल शुभनाना वल गुलाम ने सहाफियों के सामने एहतजाज करते हुए बताया, 3 अप्रैल 2024 को शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक मलीर की अदालत में पसंद की शादी की। मसमाल शबनाना ने बताया है कि हम दोनों ने होशो हवास में मलीर की अदालत में पसंद की शादी की है, जिस पर रिश्तेदार तैश में हैं और उनसे हमें जान का खतरा है। हमें मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया जा रहा। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर मलीर की अदालत में अली असगर सेंदर से शादी करने आई थी। मेरे रिश्तेदारों ने मीरपुर साकरो थाने में मेरे शोहर और इसके अहलेहाना के खिलाफ अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसको झूठा समझा जाए। प्रेमी जोड़े ने चीफ जस्टिस सिंध, हाई कोर्ट, IG सिंध, SSP ठटा और मुतलका हकाम से प्रेमी जोड़े ने तहफ्फुज की अपील की है। साबिक MPA भुसार कबीले के चीफ सरदार रहीम बख्श खान भुसार की वफात के बाद तासीर का सिलसिला जारी है। पीर साईं पागरो के बड़े फरसन सैयद मोहम्मद राशिद शाह राशिदी की गड़ी चाक कर आमद। इस मौके पर मरहूम सरदार रहीम बख्श खान भुसार की मफ़िरत के लिए दुआ मांगी गई।
जबकि मीर चाकर खान बुसार और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सैयद मोहम्मद राशिद शाह राशिदी का कहना था कि सरदार रहीम बख्शान बुसार बहुत ही अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि वर्से को शरीयत मोहम्मदी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी। वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।